आपने कॉर्पोरेट बाजार के बारे में कुछ बताओ, जो तेरा पेज इतना अच्छा चल रहा है, तो कैसे तो यह दिमाग में आया है कॉर्पोरेट बाजार अचानक से, कैसे तू खोला? यार मैं बताता हूँ, हो क्या रहा था ना, स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं जैसे बताया कि काम करते थे, इंस्टाग्राम पे शेयर करते थे, तो बहुत सारे लोगों तक रीच पहुंच नहीं रही थी। तो यार अब मेरे को था कि यार मैं लोगों से इंटरेक्ट कैसे करूं, जिनका जिन जिनका काम मुझे अच्छा लगता है या जिनसे मैं सीखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई चांस थे नहीं कि मैं तक पहुंच सकूं। फिर क्या हुआ कि मैंने जो है ऐसे ही दिमाग में आइडिया, मैंने एक पेज बनाता हूँ यार अपना, जो मेरा इंटरेस्ट का जो सेक्टर है जिसमें मेरा कोई मुझे इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग एक पेज बनाता हूँ, और उसमें जो है ना और फोटोग्राफर्स की फोटोज को भी शेयर करूंगा और खुद अपना काम भी शेयर करूंगा। तो उससे क्या है, कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है यार, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। कि ये नहीं कि आप अपने में ही करने पे लगे हुए हो, तो ठीक है आप अकेले अकेले करते रहो वो भी ठीक है, बट कम्युनिटी बिल्ड करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो फिर मेरे को वहां से एक ऐसी आइडिया आया कि मैं शुरू करता हूँ पोर्ट्रेट, मेरे को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पसंद थी, मैंने पोर्ट्रेट बाजार स्टार्ट करता हूँ, नाम सोचा, पेज बना लिया। तो बस वहीं से ये आइडिया आया था कि कम्युनिटी बनाऊंगा, फिर उससे ये करूंगा कि भाई लोग, बहुत सारे फोटोग्राफर्स उसमें एडिट होंगे तो उनसे बातचीत करता रहूंगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब मुझे तो खैर उस टाइम पे कुछ ऐसा आता भी नहीं था कि मैं किसी को सिखा सकूं, तो मेरे को यही था कि मुझे सीखने को मिलेगा लोगों के काम को देख करके, उनको पूछूंगा सवाल वगैरह। तो वो स्टार्ट किया था, फिर उस टाइम पे ये लगा ले कि साल 1.5 साल तक वो पेज चला, तो उसमें कुछ कुछ फॉलोअर्स या कुछ भी इंट्रैक्शन कुछ नहीं था, एंगेजमेंट जीरो एकदम। फोटोज डालता था, कोई फॉलोअर्स नहीं आ रहा था, कोई एंगेजमेंट नहीं था। वो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तब से उस पेज में मतलब ज्यादा इंट्रैक्शन होना शुरू हो गया, एंगेजमेंट आना शुरू हो गया। तो लॉकडाउन के बाद से वो पेज बहुत मतलब ड्रास्टिकली ऊपर गया है, मुझे भी नहीं यकीन था ऐसे कैसे जाएगा, और इतनी तेजी से फॉलोअर्स बढ़ने लगे उसमें। तो दैट्स गुड। 1.5 साल में लगभग 1500-2000 फॉलोअर्स थे उस पेज में, इतने ही लोग थे। लास्ट ईयर 2020, हाँ 20 में मार्च के बाद से उसमें फॉलोअर्स आना शुरू हुए, और अभी लगा ले 2021 पांचवा महीना चल रहा है, 55,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो पेज अच्छा चल रहा है। तो अब ये बहुत सारे लोग जो है अपना फोटोग्राफ शेयर करते रहते हैं उसमें, तो फीचरिंग होती है फोटोग्राफ्स की। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ क्या हुई है, जब मैं खुद अकेले में फोटोग्राफी कर रहा था ना, खुद से ही बस अपने पेज पे डालता था ये, तो मैं कुछ पेजेस पे सबमिट करता था अपनी फोटोग्राफ्स, यार वो मेरे मेरी फोटो को ग्राफ को मतलब फीचर करते हैं, शेयर करते हैं, और मतलब उनके मैसेजेस भी नहीं आते थे मुझे, रिवर्ट बैक कुछ नहीं जो वो पेजेस थे। अब क्या है कि जब से मैंने पेज, हाँ जब से वो पेजेस में, वो पेज मैंने बनाया है, उसके बाद उन पेजेस के साथ में मैं ग्रुप में एडिट हूँ बहुत सारों में, और मेरी रेगुलर उनसे बातचीत चलती है। तो ये कम्युनिटी बनाने का एक बेनिफिट होता है कि आप अकेले सिंगल चल रहे हो, नहीं आपको इतना कुछ, जब तक कि आप बहुत बड़े नहीं हो जाते। तो मतलब ऐसे ही था वो पेज बनाया, फिर ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, कम्युनिटी है, तो अब काफी सारे जो मैं जैसे बताया वो पेजेस हैं, बड़े बड़े पेजेस थे, तो अब उनके साथ में एक रेगुलर इंटरेक्शन होता है, ग्रुप्स में एडिट है तो बातचीत होती रहती है, क्या फोटोग्राफी में कैसे चल रहा है। और फिर काफी सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है मैसेजेस में वगैरह में, आगे लाइव सेशंस बहुत सारे उसमें भी करने का सोच रहा हूँ।